अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे बिहार की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और इसी के क्रम में हम पहुंचे हुए हैं बिहार के सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड के भटवलिया पंचायत में। आपको बताते चले कि भटवलिया पंचायत के MP हमारे साथ मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि MP मतलब कौन, यानी कि मुखियापति इस पंचायत के हमारे साथ मौजूद हैं। इस पंचायत की मुखिया है नूर फातिमा, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है कि मुखिया जो महिला है वो कम, पति ही ज़्यादा क्षेत्र में रहते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ मोहम्मद मैनुद्दीन जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। हालांकि हम लोगों से भी चलेंगे और बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश हो रही है, इसलिए जब बारिश छूटेगी तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने सोचा कि क्यों नहीं, 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में जो यहाँ की मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ विकास के कार्य किए गए, इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किए गए, क्योंकि अब फिर से एक बार जनता के बीच जाना होगा और जो इन्होंने वादा किया था उस वादे पे ये कितने खड़े उतरे हैं जनता को जवाब देना होगा। तो सबसे पहले इस पंचायत की खबर को लेकर मैनुद्दीन जी, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। और सबसे पहले ये बताइए कि 5 वर्ष जो जनता ने समय दिया आपको, उन 5 वर्षों में जनता के लिए आपने क्या कुछ किया, क्योंकि फिर से एक बार जनता के बीच जाना है अब आपको। पहला नंबर हमारे पंचायत में आपका ATN का स्वागत है। और 5 वर्षों में हमने विकास बहुत किया। ये जो आप रोड देख रहे हैं जी, ये जो बारिश होता था, जितना भी बारिश हुआ है जी जी, इसके पहले जब बारिश होता था तब पूरा इधर से रास्ता बंद हो जाता था, मतलब कि पानी लग जाता था। पानी लग जाता था। जब हम जीते तो जीतते जीते ही हम काम किए, ढलवाए 945 फीट। हमारे इधर गांव के महिला बेटी बहन लोग जाती है जी जी, अभी तो नहीं जाती है सब जी, इसलिए घर घर में शौचालय का व्यवस्था हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो इस सरकार में शौचालय की व्यवस्था हो गई है। मैनुद्दीन जी, ये बताइए कि अक्सर तो देखने को मिलता है कि मुखिया, खैर आपकी पति हैं, पत्नी है, और आप लोग जैसे कि कहीं इसी पंचायत की बात नहीं और भी पंचायत में दिखाता है कि MP यानी कि मुखियापति आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं, इसलिए कि हमारे जो महिला पत्नी हैं जी, मतलब घरेलू हैं जी जी, ये लोग बात सामने नहीं कर सकते जी, जी जी जी, लेकिन मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो यही बात, जहाँ प्रशासनिक मीटिंग होती होगी या फिर और भी जगहों पर यहाँ जाती होंगी, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन और जो कार्य करना होगा ये सब आप लोग, हाँ मान लीजिए कि देहात में ही है ना कि पतो हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, महिला की भी बात है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए मैनुद्दीन जी कि आपके जो भटवलिया जो आपका पंचायत है, इस पंचायत में कितने वार्ड आते हैं? 14 वार्ड हमारे पंचायत में है, कुल 14 वार्ड। 14 वार्ड है। 14 वार्ड में किस तरीके से विकास का कार्य आपने किया है और क्या कुछ किया है अब तक, ये हम जानना चाहेंगे। हर एक वार्ड में हमने PCC का काम करवाया है, नाला का हर एक वार्ड में तो नहीं हुआ है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ हुआ है जी। नल जल का काम जो है 14 वार्ड में पूर्ण है, बहुत पहले से पूर्ण है, पूरी तरीके से चल रहा है, एकदम चल रहा है। क्योंकि कई जगहों पे देखा जाता है कि मुखिया केवल दावे कर देते हैं कि नल जल जो है पूर्ण रूप से चल रहा है, संचालित है, लेकिन जाने के बाद उसकी जमीनी हकीकत कुछ और आती है। यहाँ दावे की बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल हकीकत बात है, हकीकत है। जनता से भी आप पूछ सकते हैं जी जी, और जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे शिक्षा को लेकर के क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आपके पंचायत की स्थिति थी कि हाई स्कूल यानी कि उच्च विद्यालय नहीं था, बच्चे यहाँ से प्रेम हाता या और कहीं जाते थे, अब क्या कुछ स्थिति है? हमारे पंचायत के बच्चे बच्चियाँ जाती थी प्रेम हाता हाई स्कूल में जी, अभी तो यहाँ हाई स्कूल हो गया है जी जी, और इंशाल्लाह इस तब तक लॉकडाउन लग गया, अभी बच्चा लोगों का बाहर जाने का नहीं पड़ेगा, अभी बाहर नहीं जाने पड़ेगा, मतलब कि आपके यहाँ अब इसी पंचायत में स्कूल हो गया है। बिल्कुल, और शिक्षा का व्यवस्था जो है ना, ये हमारे बगल में मध्य विद्यालय है जी जी, यहाँ थोड़ा व्यवस्था लुंज पुंज है। अच्छा, इसलिए कि लोकल यहाँ लोग टीचर हैं,
अच्छा, लोकल टीचर है जो आपके घर के बगल में जो विद्यालय है? लोकल टीचर है, बाकी कुछ अलग है। अच्छा, यही थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब ठीक है। मतलब कि पढ़ाई ढंग से यहाँ पे नहीं होती है? कितना बार कंप्लेन किए हैं। किसके पास आप शिकायत की है? डीओ के पास, डीएम के पास, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। किस चीज़ का कंप्लेन किया? कंप्लेन में आपने क्या उसमें लिखा था? इसमें शौचालय नहीं है। अच्छा, हैंडपम्प नहीं है। हमारे घर के सामने जो हैंडपम्प है वहाँ सब लड़का लड़की आके वहाँ से पानी पीता है लोग। शौचालय नहीं है तो शौचालय वहाँ मतलब 200 मीटर अलग हट के हम बाउंड्री करवाएं। स्कूल के जमीन नहीं है। पंचायत मतलब कि आप ही का ना है? नहीं है, तो अलग से बनवाए हैं। शिक्षा विभाग उसका पैसा नहीं दिया। तो उस विद्यालय के तो अध्यक्ष या टीम तो होगी ना, कमेटी तो बनी? टीम है, वो टीम सब बेकार है, काम नहीं करती। नहीं, तो काम करने वाला टीम नहीं है। हम जो पंचायत का पैसा है जी, उससे हम शौचालय बनवाए हैं। उससे बनाया। और अधिकारियों को आपने शिकायत की तो कहीं सुनवाई नहीं? तो आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, जस का तस है। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, इस बात को हम लोग डीएम तक पहुंचाएंगे कि कम से कम शौचालय होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय है काफ़ी परेशानी होती होगी बच्चे बच्चियों को। एक चीज़ बताइए कि जन जीवन हरियाली जो योजना है पूरे पंचायत में, हर एक पंचायत में इसको करना है, पेड़ लगाने हैं ताकि वातावरण को सही तरीके से ये किया जा सके, इसको लेकर के आप क्या कुछ किए हैं, कितने पेड़ लगे हैं और कैसे क्या? हमारे पंचायत में जिला परिषद कमद से जी भटवलिया जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ से लेके बंजरिया तक कुछ पेड़ लगा था, जो अभी कुछ बचा है जी, कुछ मालगोरी चढ़ गया है। मतलब ये जिला परिषद का फंड है, आपका फंड मुखिया फंड नहीं है? मेरा फंड जो गांव में कुछ चार आदमी का लगा है। अच्छा, वो पूरा तार से घेर के जी जी, और पिलर दे के तार से घेर के 200-200 फीट करके, मैंने 200 पेड़। तो उसमें किस चीज़ का कौन सा पेड़ लगाए, क्या कोई फल वाला पेड़? सागवान है और आम है, बहुत मैंने अच्छा पेड़ है उसमें। सबसे ज़्यादा मोहगनी, सागवान, आम, वाले वक्त में इसका बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत वातावरण भी अच्छा रहेगा, और जिसका जमीन में वो लगा है उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये इसमें कितनी लागत आपकी लग गई होगी, और ये कितने दिन हो गए पेड़ लगाए हुए, और क्या स्थिति अभी? अभी तो दो जो मैंने अनिल सिंह और उनका एक भाभी हैं, नाम नहीं मालूम है, उनका तो लगाए हुए लगभग एक साल के, लगभग एक साल हो गया। अच्छा, और दो जो आदमी लगाए एक महीना पहले, एक महीना पहले। मतलब कि कई जगहों पर देखा जाता है कि जन जीवन हरियाली जो योजना है लगा दी जाती है, फंड जो है मुखिया वो उसको पास करा लेते हैं, सब कुछ आ जाता है, उसके सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है? व्यवस्था नहीं है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, वहाँ आप चारों मतलब पूरा ऊंचा तक मैंने पिलर गाड़ के तार, मतलब कि उसकी अच्छे से बाउंड्री करा दी गई है ताकि कोई इसको पशु खा ना जाए, बर्बाद नहीं, ऐसा नहीं है, पशु जब उसमें जाना कोई सवाल है नहीं। बहुत अच्छा, और बहुत सारी योजना है जो कि मुखिया के लिए है, इंदिरा आवास योजना है, लक्ष्मीबाई योजना है, कई तरह की योजना है, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके आप बताएं कि किसमें और किस तरीके से आप लोगों ने काम कराया है, क्योंकि अब तो जनता के बीच जाना है। पिछले बार आपने वादा किया होगा कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और अगर उस वादे पे आप खड़े नहीं उतरे होंगे तो जनता फिर आपसे पूछेगी इस बार। 100% तो नहीं, लेकिन 98-99% जो हमने वादा किया पंचायत में कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें 98-99% हम पास हैं जी। कितना ही आदमी काम कर देगा तो एक दिक्कत तो रहती है, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन आज के भी डेट में हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमने वादा किया उसको हम किए हैं जी, इसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे, इसी के आधार पर मांगेंगे, एक काम किए हैं उस काम के आधार पर आप वोट मांगेंगे, बाकी कोई बात नहीं। क्या लग रहा है यहाँ पे लक्ष्मी बाई योजना कही जाए या फिर और भी जो इंदिरा आवास योजना कही जाए, इस तरीके के कितने आपने लाभुकों को आपने लाभ देने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास के बाद हमारे पंचायत में लगभग 100 मकान जो है बन गया है 5 साल में, ठीक है, 5 साल में 100 मकान, 100 मकान लगभग 100 मकान कंप्लीट है, वो कंप्लीट है, तो बाकी नहीं है कंप्लीट है। दूसरा नाम पेंशन का जो बात है जी, हम जब से मैंने हमारे पत्नी मुखिया बनी है जी जी, तो लगभग 200 से ऊपर पेंशन जी पास हो गया है, वो स्वीकृत है जी जी, उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा, और ये जो सोलर लाइट है जी, हमारे पत्नी का जो 5 साल का जो मतलब सैलरी मिला था जी, उससे हम पूरे गांव में लगवाए हैं। मतलब जो
की सैलरी थी उस सैलरी को लगवा दी है आप, उस पैसे से आप सोलर लाइट, सोलर लाइट कितनी सैलरी इनको मिली? 2500 रुपये महीना महीना, तो मान लीजिए 2500 महीना, तो लगभग आपका एक साल का कितना हो गया? एक साल मतलब टोटल 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया 5 साल का टोटल पैसा ही आपने लाइट में खर्च कर दिया जनता के। ये तो आपका भ्रष्ट फंड हो गया, ये तो मान लीजिए करते या नहीं करते ये आपके ऊपर, लेकिन आपने जनता के लिए हम किए हैं, किए हैं जो पैसा सैलरी मिला था उसी के पैसा। तो इसका तो आने वाले वक्त में चुनाव में आपको बेनिफिट मिल सकता है, इसका मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो आपने लाइट का जो काम किया है ये सिर्फ अपनी ही तरफ किए हैं या फिर लगभग सभी वार्डों में आपने? नहीं अभी तो इसलिए कॉस्टली आता है ना। अच्छा जी, पूरे जगह करना अभी संभव नहीं था, तो बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, तब तक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ये हो गया कि मतलब हर एक वार्ड में ये लगेगा जी। वो पैसा हमारे मद में है, 14,00,000 रुपया है जी जी। देखिए इंशाल्लाह अगर इलेक्शन अगर ज़्यादा दिन टड़ेगा उसके पहले हर एक वार्ड में लग जाएगा। अच्छा, कुछ शमशान या फिर कब्रिस्तान इस तरह की कुछ घेराबंदी इस तरह की आप? हमारे यहाँ कब्रस्तान का घेराबंदी एक हम अपने पंचायत के मत से कराए हैं, हटोलिया में जी। बाकी जो है अभी मुख्यमंत्री के जो मत से होता है जी, हमारे बरानी में कब्रिस्तान है जी, उसका मापी फिकर की गया एस्टिमेट वगैरह बन गया है, अब टेंडर में जाएगा। अब टेंडर में जाएगा आपको, तो मान लीजिए इस बात का काम नहीं हो पाएगा आपको, नया जो फिर से नई टीम आएगी उस समय का? अभी तो बरसात में तो काम संभव नहीं है, लेकिन अगर टेंडर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत दिनों से आदमी लगा हुआ था। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, क्या लग रहा है मैनू दिन इस तरीके से चुनाव की अब बात हो रही है, कोरोना जो है बिहार में थोड़ा कम हुआ है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कब तक उम्मीद है कि बिहार में पंचायत चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि आप लोगों से तो चर्चा होती होगी, कुछ अधिकारियों से भी बातचीत होती होगी। पंचायत चुनाव जो है ना जी, प्रशासनिक व्यवस्था अपने तरफ से जी किया जा रहा है, लेकिन अभी कराना उचित नहीं है, अगर तीसरा लहर आ जाएगा जी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अपने हिसाब से कर रहा है लोग, अधिकारी कोई पुष्टि तो नहीं हो रहा है। लेकिन पटना से खबर आ रही है कि अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में, क्योंकि तैयारी देखी जा रही है, खासकर सिवान की भी अगर बात कर लें तो जिलाधिकारी तत्पर है, उन्होंने कहा भी था और उसको लेकर के तैयारी चल रही है, ऊपर से आदेश भी आए हुए हैं तमाम बिहार की अगर बात कर ले तो ऐसा लग रहा है क्या कि चुनाव हो सकता है अगस्त लास्ट? हो सकता है, संभवतः हो सकता है, इसलिए ज़्यादा मतलब डीटो करके नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक अपना व्यवस्था तैयारी में कर रहे हैं लोग, तो ये कुछ ना कुछ तो है जी जी, लेकिन अगर तीसरा लहर आ जाएगा तो मतलब रुक सकता है। अच्छा, इस बार आप फिर जनता के बीच जाएंगे चुनाव में, फिर महिला सीट है आपका बटोरा सीट है, इस बार फिर से आपकी पत्नी जाएंगी, इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच जाएंगे? वही तो हम आपसे बोले हैं, जो हम वादा किए थे जी, ये करेंगे वो करेंगे, हमने वो करके दिखाया, करके दिखा दिया, और उसी के आधार पर हम लोग जाएंगे कि और आशीर्वाद भी उससे मांगेंगे, एक और मौका दीजिए, ठीक है। अभी तो आदमी जनरल में जीता है, मतलब कि मेहनताना जो आप मांगेंगे जनता के बीच, अगर जिस जो हमने आपको मेहनत किया है उसका मेहनताना आप दे दीजिए, एक मौका दीजिए, जो अधूरा काम बचा है उसको इंशाल्लाह सर। और सड़क की आपके यहाँ क्या स्थिति है, PCC सड़क ये सब की क्या? हमारे पूरे पंचायत में 2-3 ऐसा रोड है जो कच्ची है, वो भी मतलब किसी कारणवश कच्ची रह गई है, नहीं तो आप पूरे पंचायत में घूम के देख लीजिए, प्रधानमंत्री मत से कुछ हुआ है, कुछ मुख्यमंत्री मत से हुआ है, और बाकी हमारे मत से, पूरा पंचायत के मत से हुआ है, पंचायत के मत से। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे जगह भी देखे जाते हैं, कुछ मुखिया अगर हैं उनसे संपर्क होता है बड़े लीडरों से, बड़े नेताओं से, तो वो गुड फेथ में लेकर के कुछ बाहर से भी फंड लेकर चले आते हैं, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, बाहर से आप कुछ फंड लेकर के आए हैं, कोई भी फंडिंग हो, MLC फंड, MP फंड या कोई भी? नहीं, बाहर से कोई फंड नहीं, बाहर से कोई जो भी कराए हैं 7 नीचे जी, और जो हमने 14वीं 15वीं जो वित्त आयोग है, पंचम वित्त आयोग है, उसी से हम करवाए हैं, और मनरेगा के तहत PCC करवाए हैं, स्कैडल सेट बनवाए हैं, स्कैडल सेट बनवाए हैं। और ये महिलाओं के लिए कुछ स्वावलंबी बनाने के लिए ये सब कुछ आपने सोचा है या फिर? सोच तो बहुत है जी, लेकिन अभी पैसा नहीं था जी, जी। उसका व्यवस्था हम लोग जो मान लीजिए कि प्रशासनिक हम लोगों का व्यवस्था रहता है, वो ब्लॉक के थ्रू या जिला के थ्रू रहता है, तो उसको डायरेक्ट हम प्रशासनिक मदद आपको 5 वर्षों में कैसा मिला?
इसके बहुत अच्छा मिला है। अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला है। जो BDC सर हैं या BDO साहब हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके पहले जो BDO साहब थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सहयोग करते थे। हाँ, अब आपने क्या सोचा है कि फिर अगर जनता अगर आपको मौका देती है तो फिर क्या इस पंचायत के लिए कुछ आपने अलग सोचा है कि कुछ अलग करेंगे, कि जिले में एक आपका पंचायत एक नाम दर्ज कर सके, एक मुकाम हासिल कर सके? जनता के लिए आदमी बहुत कुछ सोचा है। इंशाल्लाह अगर सीट निकलेगा तो जो 15 साल पहले जो विकास नहीं हुआ था और 5 साल में तो बहुत आदमी विकास करके दिखा दिया है। उसके बाद हम लोग कुछ महिलाओं के लिए एक अलग उद्योग, मतलब छोटा कुटीर उद्योग टाइप। हाँ, हरेक घरेलू टाइप से, ठीक है, हर एक वार्ड में हम लगवाएंगे ताकि उससे कुछ महिलाओं को उससे रोजगार मिले, रोजगार मिले, 2 रुपए की आमदनी हो, बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैनुद्दीन जी। ये थे मैनुद्दीन जी, मोहम्मद मैनुद्दीन, जो कि नूर फातिमा जो यहाँ की भटोलिया पंचायत की मुखिया हैं, उनके पति हैं। और जिस तरीके से इनसे बातचीत हुई, तमाम चीज़ों पे इन्होंने बताया कि इन्होंने 5 वर्षों में क्या कुछ किया हुआ है। हालांकि इसके पूर्व में ये खुद स्वयं ये BDC भी रह चुके हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं कि हमने जो जनता से वादा किया था तो 100% तो नहीं लेकिन 98% तक हम जनता के वादों पर खड़े उतरे हैं। और ऐसे में फिर से एक बार ये जनता के बीच जाने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। सरगर्मी बढ़ गई है। देखना यह होगा कि इस क्षेत्र की जनता, भटवलिया पंचायत की जो जनता है, क्या फिर से एक बार इन्हें अपना आशीर्वाद देती है या फिर अपना नेता किसे चुनती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के भटवलिया पंचायत से ATN लाइव के लिए समीर के साथ चंदन कुमार।